हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं उज्ज्वल ये शिवम, होप यू ऑल आर सेफ। तो आज हम जा रहे हैं गहलोर घाटी पर्वतपुर उसके गांव साइन ऑफ लव देखने, जो कि गया सिटी से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आज हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे, द साइन ऑफ लव एंड द प्राउड ऑफ बिहार, गहलोर घाटी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने इस पहाड़ को काटा था और गहलोर से वजीरगंज का रास्ता कितना आसान था। यही है वो 22 साल की मेहनत का परिणाम, जिसे सिर्फ और सिर्फ हथौड़ी और छेनी से श्री दशरथ मांझी ने चीर डाला और इस पार से उस पार के रास्ते की दूरी को काफ़ी आसान कर दिया। इस कहानी के ऊपर एक शानदार मूवी बनाई गई है जिसका नाम है मांझी दी माउंटेन मैन, जिसमें दशरथ मांझी का किरदार निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने। हालांकि इसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है दोस्तों कि एक बार उनकी पत्नी फागुनी देवी पानी भरकर ला रही थी, उसी बीच पत्थर से टकराकर वो बुरी तरह से घायल हो गई और समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण, इलाज न होने के कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि उस पार जाने का रास्ता बहुत ही कठिन था। उसी वक्त श्री दशरथ मांझी ने यह तय कर लिया कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो। उनका कहना भी यही था कि मेहनत वो अकेले करेंगे और सुविधा लाखों लोगों को होगी, और इसी जज्बे को दोस्तों हमारा सलाम। और यह दृश्य वीडियो में जितना खूबसूरत दिख रही है, रियल में यह उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आपको कभी भी बिहार आने का मौका मिले तो एक बार गया जिले के इस गहलोर गांव में ज़रूर पधारें। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, यह लाइन इसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई है जिन्हें लोग दशरथ बाबा कहते हैं और जिन्होंने 22 साल में इस पहाड़ को चीर डाला। यह वह जगह है जहां दशरथ बाबा का स्टैचू और उनकी समाधि बनाई गई है। इनका जन्म 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु 2007 में हुई। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।